आज से राइडिंग गियर पहनने की कोई जरूरत नहीं है। माय नेम इज सचिन और आप देख रहे हैं वन वाइज मिनट बाय द अनचेसेबल्स। यस, हम बात कर रहे हैं राइडिंग गियर्स विद एयरबैग्स। इनकी फंक्शनैलिटी के बारे में अगर बात करें तो इंपैक्ट एरिया के अराउंड ये एयर चेंबर्स होते हैं जो अटैच्ड होते हैं एक कार्ट्रिज से। इस कार्ट्रिज के अंदर कॉम्प्रेस्ड गैस स्टोर्ड होती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या फिर आर्गन। इन केस ऑफ अ क्रैश ये कार्ट्रिज में स्टोर्ड कंप्रेस्ड गैस जो है वो ट्रैवल होके ये इंपैक्ट एरिया को सराउंड करके सारी जो इंपैक्ट की एनर्जी वो अब्सॉर्ब कर लेता है। इसमें भी दो तरीके की एयरबैग्स आती है, मैकेनिकल और दूसरी इलेक्ट्रिकल। मैकेनिकल एयरबैग्स एक टेथर यानी कनेक्टर के थ्रू बाइक से कनेक्ट करनी पड़ती है। इन केस ऑफ अ क्रैश ये टेथर या फिर कनेक्टर जो है वो डिटैच होने के बाद ये एयरबैग्स डिप्लॉय होती है। इन्हें हमें चार्ज नहीं करना पड़ता है और ये काफी सस्ती आती है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इनका डिप्लॉयमेंट टाइम और जो इन्फ्लेशन रेट है वो काफी ज्यादा है। बाइक पे बैठते समय इन्हें अटैच करना और उतरते समय डिटैच करना ये याद रखना इट्स क्वाइट अ टास्क। इलेक्ट्रिकल एयरबैग्स में बहुत सारे सेंसर्स होते हैं जैसे GPS, एक्सेलेरोमीटर और गायरो सेंसर्स। ये एक मॉड्यूल एंड सिस्टम की ब्रेन की तरह एक्ट करता है। इन केस ऑफ अ क्रैश ये मॉड्यूल इनकी वेरिएबल्स में होने वाली चेंज को डिटेक्ट करते ही वो एयरबैग्स को एक्टिव कर देता है। इन सेंसर्स के वजह से इसका क्रैश डिटेक्शन टाइम एंड इसका इन्फ्लेशन रेट जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट है। सेल्फ कंटेन होने के वजह से हमें इन्हें किसी भी जगह पर अटैच करने की जरूरत नहीं होती है। इनफैक्ट इनके मॉड्यूल्स को हम अपग्रेड कर सकते हैं विद डिफरेंट क्रैश टाइप्स। इनके खुद के डिसएडवांटेजेस भी है, इसे हमेशा हमें चार्ज करना पड़ता है एंड सेंसर्स होने के वजह से इन्हें रेगुलर सर्विसेज करनी पड़ती है, दैट टू फ्रॉम अनऑथराइज्ड सर्विस सेंटर जो कि इंडिया में नहीं है। प्राइस की अगर बात करें तो एयरबैग इनबिल्ट राइडिंग जैकेट जो है वो 75,000 से शुरू होकर 2 लाख से अबव भी जा सकता है और एन एक्सटर्नल एयरबैग वेस्ट जो है वो 15,000 से शुरू होकर 80,000 तक जा सकता है। वेल, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कितने वर्थ लगते हैं और इस रील को लाइक करना मत भूलिएगा एंड डू फॉलो अस फॉर मोर।